Okay. आ जाओ बच्चों जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरीवन अभिषेक सचिन कश्यप रॉबिन आर्य अरविंद यादव अमिता अंकित फाइटर सोल्जर्स स्वैग से स्वागत बिल्कुल अंकित कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गोल्डी नामतुल्ला आकाश शुभम जल्दी जल्दी बच्चों अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो और शुरू करते हैं हम आज की विकैबलरी की क्लास इंग्लिश में सबसे ज्यादा मजा यकीन मानिए विकैबलरी पढ़ने में ही आएगा ठीक है जब आप आपको चीज़ों क्योंकि ही वो चावी है जो पूरे इंग्लिश को अनलॉक कर सकती है ठीक है विकैबलरी पता है तो वकैबलरी पता है तो आप लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे आप कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग बना लेंगे ठीक है वोकैब्लरी पता है अगर आपको सेंटेंस मेकिंग आता है तो इंग्लिश बोलकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलकर किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं सो so, ही वो चावी है जो पूरे पूरे के पूरे इंग्लिश को अनलॉक करके और आप लोगों को बहुत ही गुड कम्युनिकेशन में बना सकती है चलिए शुरू करते हैं रिटर्न एग्जाम्स में तो इसके इंपॉर्टेंस को हम अंडर एस्टिमेट वैसे भी कर, नहीं कर सकते हैं है ना क्योंकि रिटर्न एग्जाम्स में 25 फाइव टू थर्टी परसेंट वेटेज वैकैबलरी का होता है ठीक है चलो शुरू करते हैं से स्टार्ट करते हैं ठीक है नहीं, sorry, idioms, idioms इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एप्पल ऑफ वन जय बोलेंगे मैम ये तो बहुत सिंपल है बहुत मतलब इतना ज्यादा इजी है इतना ज्यादा रिपीटेड है हमें पता है लेकिन बच्चों ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है तो इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं ठीक है एप्पल ऑफ वनजाई का मतलब क्या है बच्चों एप्पल्स ऑफ ऑफ एप्पल का मतलब होता है किसी का स्पेशल होना फेवरेट होना बिलव्ड होना किसी का दुलारा होना ठीक है स्पेशल होना फेवरेट होना किसी का बिलव्ड होना किसी का दुलारा होना किसी का प्यारा होना ठीक है उसी को हम कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई एप्पल ऑफ वंस आई ठीक है, जैसे देखो हम अपने मम्मी पापा के प्यारे दुलारे तो होते ही है ठीक है लेकिन हमें मम्मी पापा से भी ज़्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो हमारे दादा दादी है, है ना? सो so, हमें अगर मम्मी पापा से भी कोई ज्यादा प्यार करता है तो हमारे नाना नानी या दादा दादी है है ना सो एप्पल ऑफ वन जाय का मतलब होता है किसी का प्यारा किसी का दुलारा होना राइट सो so, देखो इस अब बच्चे का नाम क्या है लुकास लुकास इज द एप्पल ऑफ हिज़ ग्रैंड पेरेंट्स आई ठीक है यहाँ पे वंस के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों वंस के जगह पे क्या लिखेंगे जिसके प्यारे या दुलारे आप हैं जिसके प्यारे या दुलारे हैं वो पर्सन यहाँ पे आएगा पोजेसिव केस में जैसे लुकास अपने दादा दादी का प्यारा या दुलारा है तो हमने लिखा लुकास इज द एप्पल ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स आई ठीक है हिज ग्रैंड पेरेंट्स

बेटा कोर्स का मतलब होता है या तो मोटा या तो खुरदुरा जो चीज रफ हो खुरदुरी हो उसको हम कहते हैं कोर्स ठीक है ये वो वाला कोर्स नहीं है याद रख ये मैम आपका पेड कोर्स कब आएगा ओ यू आर एस सी -E, इस कोर्स का मतलब होता है ट्रेनिंग ठीक है इस कोर्स का मतलब होता है ट्रेनिंग लेकिन ओ ए आर एस सी इस कोर्स का मतलब होता है मोटा खुरदुरा ठीक है मोता, जो चीज स्मूथ ना हो उसे हम कहते हैं -E, कोर्स उसे हम कहते हैं कोर्स ठीक है मैम आप वो क्या बहुत अच्छे से टीच करती हो पूजा मौर्य थैंक यू सो मच अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करेंगे बच्चों अंजू कुमावत गुड मॉर्निंग आ जाओ सो so, कोर्स का मतलब क्या है बच्चों मो, मोटा या खुरदुरा ठीक है कोर्स का मतलब क्या है मोटा या खुरदुरा जो स्मूथ ना हो उसको हम कोर्स कहते हैं दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है बच्चों इसको भी कोर्स कहते हैं एंड इस वाले को भी कोर्स कहते हैं दोनों तो का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है ठीक है लेकिन कब कौन से वाले स्पेलिंग का यूज करना है ये आप संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्सट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे ठीक है कोई चीज जो रफ हो हार्श हो टेक्स्चर में ठीक है अच्छा अब रूड या वलगर अगर आप किसी बंदे को कोर्स कह रहे हैं ठीक है अगर आप किसी इंसान को कोर्स कह रहे हैं तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना ये इंसान खुरदुरा है या इंसान मोटा मतलब वैसा वाला मोटा फिर मीनिंग बदल जाता है ठीक है यहां हैं खुरदुरा तो ये इंसान खुरदुरा है तो नहीं बोलोगे आप ठीक है अगर किसी पर्सन को आप कोर्स कह रहे हो तो उसका मतलब है कि वो रूड है वलगर है बदतमीज है अगर आप किसी पर्सन को कोर्स कह रहे हैं सी ओ ए आर एस ई कोर्स तो उसका मतलब होता है कि वो रूड है वलगर है बदतमीज है ठीक है ओके चलिए सो बुरिश ग्रफ ऑब्सीन ये तो पर्सन के लिए हो गया है ना क्योंकि अगर किसी टेक्सचर को मतलब मान लीजिए कि ये माइक है है ना ये माइक है इसका सरफेस अगर स्मूथ नहीं है रफ होगा तो सरफेस के लिए टेक्सचर के लिए दो ही वर्ड है रफ और हार्श ठीक है सरफेस के लिए दो ही वर्ड्स है रफ और हार्श ठीक है पर्सन के लिए जो रूढ़ हो बदतमीज हो वलगर हो ठीक है उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं उसके लिए वर्ड आ जाएगा बोरिश, ग्राफ ऑब्सीन, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं ठीक है ओके चलो कोलोजल का मतलब क्या है बच्चों वट इज द मीनिंग ऑफ कोलोजल कोलोजल का मतलब होता है प्रचंड ठीक है कोलोजल कोलोजल का का मतलब मतलब क्या है का मतलब होता है होता प्रचंड बहुत बड़ा कोई चीज बहुत विशाल हो तो हम उसे कहते हैं कोलोजल कोलोजल की स्पेलिंग सारे बच्चे मुझे एक बार ल्यूट कह सकते हैं शिवानश राय वेरी गुड एक बार सारे बच्चे मुझे कोलोजल की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाए वेरी गुड सारे बच्चे मुझे कोलोजल की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं स्पेलिंग उन्हीं वर्ड्स का लिखने में कहूंगी जिनका स्पेलिंग आपको ध्यान रखने की जरूरत है जिनका स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए ठीक है क्लोजल में डबल एस आएगा ठीक है क्लोजल में डबल एस आएगा सारे बच्चों और एल्स डबल नहीं आएगा सारे बच्चों मुझे क्लोजल कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ एक बार यस समथिंग दैट इज एनॉर्मल समथिंग दैट इज ह्यूज कोई चीज जो बहुत विशाल हो हम उसे जाइजेन्टिक हो वेरी गुड बहुत अच्छे क्लोजल की स्पेलिंग लिख के दिखाओ क्लोजल अनेक ही नहीं एनोनिमस बॉय क्या लिख दिया तुमने वेरी गुड शाह लिख रहे हैं शाहबाश वेरी गुड ठीक है एक बार अपने आपको रिपीट करवा दोलो सीओ एल ओ कोलो ठीक है और फिर उसके बाद में डबल एस एल कोलो डबल एस एल कोलोजल ठीक है स्पेलिंग भी सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे मैमथ की स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे डबल एम आएगा डबल एम आएगा बीच में mammoth. इन सबका मतलब होता है विशाल बहुत बड़ा ठीक है चलो सो ये देखिए हल्क जैसा है हल्क के पैर जैसा लग रहा है ना ये तो इसका पैर कैसा है बहुत विशाल है ह्यूज है इसके सामने आप खड़े हो जाएंगे ना तो इतने चिंटू से लगेंगे यहाँ पे इतने से लगेंगे आप ठीक so, है सो इसके पैर कैसे हैं? ये अभी तो सिर्फ पैर ही है पैर के सामने तुम तो इतने से फिद्दी से लग रहे हो बिल्कुल इतने से ठीक है so, सो टाइनी इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा टाइनी टाइनी छोटू सा चिंटू सा ठीक है क्लोजल बहुत बड़ा विशाल ओके स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है अगेन आप लोगों के को ये इडियम पता होगा ठीक है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रही हूँ कुछ छूटना नहीं चाहिए ठीक है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है ठीक है जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है जो आगे आ भी सकता है ठीक है नए वर्ड्स क्योंकि नए वर्ड्स डेफिनेटली आते हैं ठीक है ठेके? तो हम सारा कुछ कवर करेंगे स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है बच्चों स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है ये

mean business का मतलब क्या है यहाँ पे mean का मतलब mean का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है v1 mean business अगर अब मैंने आपको कहा आई मीन बिजनेस मतलब मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब आपको ये कहना होता है ना कि आई एम uh, नॉट चिंटू टूसा बिल्कुल ठीक है so सो जब आपको ये कहना होता है कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं हम सीरियस हैं तो आप कहेंगे आई मीन बिजनेस आप कहते हो ना यार मैं सीरियस हूं है ना कहते हो आप आई एम सीरियस राइट

अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा ये नाउन है ठीक है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये नाउन है एफ्रांटरी का मतलब होता है गुस्ताखी ठीक है का मतलब होता है बच्चों गुस्ताखी या फिर ठीक है मेन बिजनेस ये आपका ईडियम है ठीक है ये आपका ईडियम है देन स्पिल द बीन्स ये भी आपका ईडियम है ओके okay? क्लोजल इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जरा व्हाट कुड बी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड क्या ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है या नाम बता रहा है क्या क्लोजल किसी का नाम है या प्रचंड किसी को बोल रहे हो तो उसकी विशेषता बता रहे हो विशेषता बता रहे हो है ना सो so ये क्या होगा एडजेटिव होगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों एडजेटिव हो जाएगा ठीक है और कोर्स जब आप किसी चीज को खुर्दरा कह रहे हो मोटा कह रहे हो या किसी पर्सन को कोर्स कह, कह रहे हो यानी बदतमीज कह रहे हो रूड कह रहे हो है ना तो बताओ उसकी विशेषता बता रहे हो या नाम बता रहे हो विशेषता बता रहे हैं है मैम तो इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव क्लियर बिल्कुल कोर्स कोलोजल स्पिल द बीन्स एफ फ्रंटरी का मतलब क्या है गुस्ताखी शेमलेस बोल्डनेस shameless, ठीक है शेमलेस बोल्डनेस मतलब बेशर्मी से कोई बदतमीजी करे उसी को तो गुस्ताखी कहते हैं राइट एक्सट्रीम रूडनेस इंसोलेंस इंसोलेंट आपको पता है इंसोलेंट इंसोलेंट हम पढ़ते हैं ना मतलब indolent, मतलब बदतमीज इंडोलेंट आलसी सो इंसोलेंस ठीक है इंसोलेंस मीन रूड बिहेवियर इंसोलेंस का मतलब है रूड बिहेवियर एक्सट्रीम रूडनेस एक्सट्रीम रूडनेस ठीक है सिनोनिम्स का क्या होगा बच्चों सिनोनिम क्या होगा इम्पोर्टेन्स ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली आप रूडनेस के सिनोनिम्स देख रहे हैं इम्प्यूडेंस इम्प्यूडेंस टेमरिटी टेमरिटी का भी मतलब होता है गुस्ताखी

दुस्साहस के लिए कौन से कौन से वर्ड है एफ्रांटरी एफ्रांटरी ठीक है इमर्टेस इमपर्टेन्स मेरे साथ साथ एक बार बोलते भी चलेंगे ठीक है सो एफ्रांटरी इमर्टेस इमप्यूडेंस टेमरिटी इन सब का मतलब होता है ये yes, गुस्ताखी माफ जहां बिल्कुल एब्सोल्यूटली ऑल राइट ठीक है समझ गए आप लोग हाँ ऑल राइट right? चलो सो so, एफ्रफ्रांटरी देखो यहां पे। एलिट क्लब ए स्पेस क्लब एलिट स्पेस क्लब का मतलब क्या है जहां पे ये जो बहुत ज्यादा रिच लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हाई क्लास समझने वाले जो लोग होते हैं है ना उनको हम एलीट कहते हैं हाई क्लास लोग अपने आप को या तो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा समझते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा रिच अमीर समझते हैं है ना सो so ये उनका क्लब है और यहाँ पे ये बेचारा हमारा बहुत भोला भला सा किसान आ गया ठीक है अपनी गैया को लेके गौ माता को लेके ये भोला भला सा बेचारा किसान आ गया ठीक है कहीं से जा रहा था थक गया ये ठीक है सो ये नॉक नॉक करता है

चलिए बच्चों अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एफिमरल का मतलब क्या होता है अल्प अल्प मतलब थोड़े समय का अल्पकालिक काल kal मतलब समय थोड़े समय एफिमरल मतलब टेम्पररी अल्पकालिक मतलब थोड़े समय रहने वाली कोई भी चीज उसको हम कहते हैं अल्पकालिक ठीक है थोड़े समय रहने वाली चीज को हम कहते हैं अल्पकालिक ठीक है एफिमरल थोड़े समय रहने वाली चीज को हम कहते हैं एफिमरल यानी कि अल्पकालिक लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बहुत कम समय टिकने वाली चीज को हम कहते हैं Ephemeral, बहुत कम समय टिकने वाली चीज को हम कहते हैं सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ठीक है सो ट्वेंटी इंटू टू सीधा सीधा हमारा फोर्टी हो जाता है ठीक है और कभी कभी एक ही शब्द के साथ आपको तीन चार और शब्द सीखने को मिलता है तो मतलब एक घंटे में हम लगभग लगभग नॉट लेस न्यू words up. या तो वो आपके लिए न्यू होते हैं या तो, तो एग्जाम एक, एक में हम 60 शब्दों से अपनी कंटिन्यू कर करते हैं क्लास है वो कैब का यस सो बच्चों आज के क्लास के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तेरह वोकैबुलरी की क्लास लेने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है इंप्रूवमेंट लग रहा है कॉन्फिडेंस लग रहा है ठीक है और अगर तेरह दिन में ये वोकैबुलरी आपकी बूस्ट हुई है सो so, दिन प्रतिदिन जितना और आप पढ़ते जाओगे और आपको बजियटिंग एफमिरल एब्सल्यूटली बेनिफिशियल है रोहित सिंह बेटा रोहित मेरी क्लास करो फिर उसके बाद में सीधा जाके प्रीवियस ईयर सॉल्व करो ठीक है फिर उसके बाद में डिसाइड करो क्योंकि टीचर तो सब बोलता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं ठीक है मैं भी बोलूं तो कोई नई बात नहीं होगी आप सीधा क्लास लो और क्लास लेके आप जाके प्रीवियस ईयर सॉल्व करो ओके फिर उसके बाद में जज करो ठीक है चलो सो एवनेसेंट प्रोनाउंस करो बच्चों, एवनेसेंट एवनेसेंट मतलब कोई चीज जो उड़ती हुई हो मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाए ठीक है ट्रांजियंट ट्रांजियंट का मतलब भी है बदलती हुई चीज और बदलती हुई चीज कैसी होती है बदलते हुए लोगों की तरह बदलती हुई चीज भी टेम्पररी होती है है ना कल मैं आम, काजल सियाग मैम आपको पता ही होगा बायोलॉजी वाली मैम है ठीक है टाइम्स कोचिंग की तो उन्होंने एक स्टेटस डाला था बड़ा शानदार सा स्टेटस था बड़ा मजा आ गया था सुन के पढ़ के है ना तो उसमें लिखा था कि करो, ये फंगस फंगस चाहे कितने भी रंग बदल ले ठीक है इंसान जितने रंग तो वो भी नहीं बदल सकता राइट सो so, ट्रांजिएंट मतलब जो बदलता रहता है और जो बदलता रहता है वो बहुत टेम्पररी होता है बदलते हुए लोग बहुत टेम्पररी होते हैं ट्रांजियंट ठीक है अल्पकालिक थोड़े समय टिकने वाले फ्लीटिंग फ्लीटिंग मतलब भागता हुआ भागती हुई चीज भी बहुत टेम्पररी होती है भागती हुई चीज भी बहुत टेम्प्री होती है है ना सो so, एफेमिरल so मतलब एवेनसेंट ट्रांजियंट फ्लीटिंग एफेमिरल ट्रांट फ्लीटिंग ठीक है ये सभी वर्ड्स बच्चों, ठीक है अच्छा मुझे ये बताओ जब आप किसी चीज को एफेमिरल कह रहे हो तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है क्या आप उसकी विशेषता बता रहे हो क्या आप उसकी विशेषता बता रहे हो विशेषता बता रहे हो ना नाम तो नहीं है ना तो वो क्या होगा बच्चों? होगा क्या होगा वो एज होगा शाबाश बहुत अच्छे ठीक है? So, मतलब अल्पकालिक थोड़े समय टिकने वाला फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम वर्ड्स है लास्ट okay? में क्वेश्चन भी होते हैं तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़ते चले ठीक है अब देखो समय कैसा है समय देखो टाइम टाइम है 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 ना बदलती रहता है, समय बदलती रहता रहता समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना सो so, देखो ये एफेमरल है मीनिंग ऑफ यस बिल्कुल हरदीप बिल्कुल ठीक है सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन बिजनेस अनु अनुमदान मीन बिजनेस को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे बच्चों मीन बिजनेस को कैसे यूज करेंगे जैसे मैं कहना चाहती हूं आई एम सीरियस आई एम सीरियस तो मैं कहूंगी आई एम सीरियस के बदले मैं कह सकती हूँ आई मीन बिजनेस ठीक है द शॉपकीपर्स मीन बिजनेस वेन दे टेल यू अबाउट their प्रोडक्ट्स यानी कि शॉपकीपर्स जब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो वो बहुत सीरियस होते हैं है ना क्योंकि उनको बिजनेस करना है सीरियसली आपको सही चीजें बताएंगे ठीक है तभी तो आप उनके so, लॉन्ग मतलब छुपा okay? मतलब मतलब हुआ आशीर्वाद देखने में तो आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ लेकिन थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा जो आपके साथ बुरा हुआ था वो एक्चुअल में आपकी भलाई के लिए हुआ था ठीक है एक्चुअल में आपकी भलाई के लिए हुआ था एंड अपेरेंट मिस फॉर्च्यून मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है बदकिस्मती अपेरेंट मतलब देख के आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है एंड अपेरेंट मिस फॉर्च्यून लेकिन आखिरकार उसके जो परिणाम निकलते हैं वो बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं आखिरकार उसके जो परिणाम निकलते हैं वो बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं मान लो अभी कोरोना आ गया है ना अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है राइट right? कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है अब है क्या कि लॉकडाउन के आप सोच रहे यार मेरी तो तैयारी पूरी थी आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी है और एग्जाम नहीं हुआ ठीक है लेकिन मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि एग्जाम की तैयारी आपकी पूरी थी लेकिन एग्जाम नहीं हुआ अब लॉकडाउन लग गया बहुत सारे बच्चे रिलैक्स हो गए हैं कि ठीक है जब डेट आएगा तो पढ़ेंगे पढ़ तो लिया ही था अब और कितना पढ़ें? बोर हो गए लेकिन कुछ बच्चे लगातार पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे आप उन्हीं में से एक हो है ना आप उन्हीं में से एक हो कि आप लगातार पढ़े जा रहे हो और आखिरकार होगा क्या जब एग्जाम होगा तो आप देखेंगे कि आपका लेवल तो बहुत सुपर डुपर बढ़ चुका है ठीक है और आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेंगे पहले अगर समय पर एग्जाम हो जाता तो शायद आप सिर्फ सिलेक्शन लेते लेकिन अब अगर एग्जाम हुआ तो शायद आप मेरिट में नाम लेके आ सकते हो है ना सो ब्लेसिंग इन डिस्काइज क्या होगा है ये आपके लिए ठीक है? ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्काइज है ये देखने में मिस है लेकिन इवेंचुअली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे ठीक है चलो द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन एक बच्चों इक्वा इक्वा का मतलब होता है सेम ठीक है इक्वा का मतलब होता है सेम देखो इक्वल में भी इक्वल का भी मतलब क्या है समतल सम ठीक है एनिमस एनिमल एक वर्ड है एनिमस का मतलब होता है माइंड रूट वर्ड है जिसका मतलब है माइंड एनिमस इज द रूट वर्ड विच मीन्स माइंड आपका माइंड जो है बिल्कुल एक जैसा काम करे एक जैसा मतलब शांत रहे समतल रहे ठीक है so, सो समभाव रहे बिल्कुल काम रहना काम uh, रहना कंपोज रहना उसी को हम क्या कहते हैं काम रहना या कंपोज रहना ठीक है कंपोजर बने रहना और कब जब आराम का समय है उस टाइम तो सब शांत रहते हैं जब मुश्किल का समय है तब शांत रह के दिखाओ तब तो कहें कि हाँ तुम वाकई में बहुत काम पर्सन हो क्योंकि मुश्किल आते ही बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं मुश्किल में भी जो अपना काम कंपोजर बनाए रहते हैं मुश्किल में भी जो अपना काम कंपोजर बनाए रहते हैं ठीक है उसी को तो आप कहोगे इक्वानिमिटी ये क्वालिटी है ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ऑफिसर ऑफिसर अपने जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं बनना चाहते हैं या कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं ये क्वालिटी अपने अंदर लाना शुरू करो परेशानी आने पे तो सब बौखला जाते हैं ठीक है ठीके? आम जनता सब बौखला जाते हैं सबकी तरह आप काम करोगे तो सबके जैसा ही आपको भी रिजल्ट मिलेगा दूसरों से अलग बनो अलग कैसे बनेंगे परेशानी आई तो भी आप काम रहेंगे शांत रहेंगे कंपोज रहेंगे वो है इट इज वन ऑफ द ऑफिसर आई क्वालिटीमिटी काम कंपोजर ठीक है काम कंपोजर दैट इज इक्वानिटी ठीक है सो इक्वानिटी का मतलब क्या है शांत बिल्कुल शांत काम कंपोजर ओके okay? सम भाव ऑल राइट right? सिरेनिटी ठीक है आपको पता ही है सिरेनिटी कौन से शब्द से लिया है सरीन सरीन मतलब काम शांत सरीन पाठशाला यहाँ पर बच्चे आवाज नहीं मचाते यहाँ पे उनके कामयाबी का शोर गूंजता है ठीक है यहाँ पे सरीन पाठशाला में यहाँ पे बच्चे शोर नहीं मचाते उनकी कामयाबी शोर मचाती है ठीक है so, सो सीरीनिटी सरीन मतलब काम ठीक है ट्रैंक्वलिटी ट्रैंक्वलिटी मतलब शांति स्टेडिनेस स्टडीन मतलब क्या स्टडी मीन्स वॉट बिल्कुल शांत ठीक है स्टडी स्लो एंड स्टडी हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विन्स द रेज तो वो आज भी उतना ही सही है बच्चों आज भी उतना ही सही है क्योंकि जो तेज भागता है वो जल्दी थक जाता है थक जाता है तो वो रुक जाता है और जो रुकने वाला है तो उसके अंदर तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना So, इसीलिए स्टेडिनेस ये आज भी उतना ही सही है सरीन, सरेनिटी, गंभीर बिल्कुल सरीन होना गंभीर होना शांत होना ठीक है आज भी देखो धोनी को बेस्ट कैप्टन होने का उपाधि दिया जाता है ना कैप्टन कूल cool कहा जाता है उन्हें क्युं? क्यों क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी थी इक्वानिटी की सेरेनिटी की ट्रैंक्वलिटी की स्टेडीनस की ठीक है आप बहुत अच्छे हो सकते हैं अपने फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन जब आप लीडर हैं आप बौखला नहीं सकते हैं बौखलाए हुए लोगों को तो आपको संभालना है जब खुद बौखलाए हुए रहोगे तो कैसे उन लोगों को संभालोगे सो इक्वानिटी ये लीडर की लीडर जो भी बच्चे अपने लाइफ में बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अहम क्वालिटी है नहीं है तो अपने अंदर लाने की कोशिश करो इक्वानिटी सेरेनिटी ट्रैंक्वलिटी स्टेडीनेस क्लियर एवरीवन बिल्कुल सही यहां तक बिल्कुल सही ठीक है आगे बढ़ें। चलो बच्चों आ जाओ so, यहाँ पे देखो ये ये फोटो से आपको क्या समझ आ रहा है माइंड की शांति बिल्कुल ठीक है इकोनॉमिटी बुद्धा कैसे थे इनका दिमाग बिल्कुल शांत अशोका जैसे अग्रेसिव आपको पता है ना अशोका के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अग्रेसिव था बहुत जंग लड़े बहुत लड़ाइया लड़ी लेकिन आखिरकार आके उसके दिमाग को शांति कब मिली उसके दिमाग को जब शांति मिली तो वो सबसे अच्छा गौतम बुद्धा का हर प्रचार करने वाला दूत बना। उसने बुद्धिज्म के लिए सबसे ज्यादा काम किया बहुत अग्रेसिव था पहले उसने लड़ाइयां लड़ी बहुत सारे जंग जीते बहुत सारे अपने साम्राज्य को फैलाया लेकिन उसके बाद में भी शांति नहीं मिली लेकिन जब दिमाग शांत हुआ किससे शांत हुआ गौतम बुद्धा का जब उन्होंने आ, आ, जो भी प्रिंसिपल्स है सिद्धांत है उनको समझा माना और उसके बाद वो उसके बाद सबसे बड़ा गौतम बुद्धा का आ, जो हम कहते हैं संदेश प्रचार करने वाला संदेश का प्रचारक बना है ना सो इक्वानिमिटी मीन्स काम माइंड शांत मन ठीक है उसके लिए वर्ड्स कौन से कौन से हैं उसके लिए वर्ड्स कौन से कौन से हैं बच्चों याद कर लो सरिनिटी ट्रैंक्विलिटी ठीक है यस वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया बुद्धा शोका यस yes, एप्सोल्यूटली ठीक है यस गुड वेरी गुड चलो एक नौ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों जो हम वर्ड्स कर रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसमें से कोई भी एग्जाम हो मैं एक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूं कि एयरफोर्स डिफेंस या सी डी uh, या एसएससी कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर आपकी वोकैबलरी नहीं आएगी एक दो दो तीन वोकैबलरी देखो जो नई वाली होती है तो वो तो होता है लेकिन आपका एग्जाम में आने वाला रेशियो बहुत हाई रहेगा इन क्लासेस में से नोट्स रहेगा आपके पास एग्जाम के बाद चेक कर लेना ठीक है एक नॉमिनी का मतलब क्या है बच्चों एक नॉमिनी का मतलब होता है बदनामी इग्नॉमिनी का मतलब होता है बदनामी आफ्टर द कलिंगा बैटल एब्सोल्यूटली कश्यप मनीष वेरी गुड ठीक है यस हैग्नॉमिनी मीन्स बदनामी एग्नॉमिनी का मतलब क्या है बच्चों बदनामी इग्नॉमिनी मीन्स बदनामी ठीक है डिसग्रेसफुल और डिसऑनरेबल कंडक्ट डिसग्रेसफुल और बर्ताव कैसा बर्ताव जो अपमान करने वाला ठीक है अपमान जनक कोई आपका बर्ताव हो तो उसे हम कहते हैं या असामान्य अगर आपका असमान्य ठीक है अगर आपका बर्ताव हो तो हम उसे कहेंगे बदनामी या इगनि ठीक है अबेजमेंट बेस मतलब बिल्कुल नीचे आ जाना ठीक है गिर जाना हम कहते हैं ना कितना गिर सकता है यार इतना कोई गिर सकता है क्या बेस पर इतना बेस पर कोई जा सकता है अबेजमेंट ठीक है अबेजमेंट प्रोब्रियम ओप्रोब्रियम का भी मतलब होता है किसी की बदनामी अप्रोब्रियम ठीक है ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए न्यूज में आता है हम एडिटोरियल रीडिंग करते ही हैं आप वहां पे चेक कर सकते हैं ये जल्द ही आएगा भी पेपर में आपके, ठीक है इनफेमी इनफेमी का भी मतलब होता है बच्चों बदनामी इन मतलब बदनामी अप्रोब्रियम अबेसमेंट क्लियर एवरी ठीक है चलो सो so, इग्नॉमी देखो इस पर्सन को इस वक्त कैसा फील हो रहा है जब बदनामी होती है तो इंसान एकदम सर पकड़ लेता है मुंह ढक लेता है परेशान हो जाता है है ना सो so इस ये पर्सन कैसा फील हो रहा है इसको कैसा फील हो रहा है और ये देखो ये जो आपको दिख रही है ये सब एक उंगलियां हैं है ना सो so सब इसको बुरा बोल रहे हैं तो बहुत बुरा है तो बहुत बुरा है तो गंदा है तो खराब है है ना सो so ये सब क्या कर रहे हैं ये इग्नॉमी इग्नोमिनी ये क्या कर रहे हैं बदनामी कर रहे हैं इग्नॉमनी यानी कि बदनामी कर रहे हैं ओ प्रोब्रियम कर रहे हैं ठीक है चलो एक बार सारे वर्ड याद कर लो इग्नोमनी मतलब बदनामी अबेम इन फेमी इग्नोमिनी बदनामी ठीक है? चलो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है इंडी का मतलब क्या है बच्चों स्वदेशी इंडी इंडिया में जो चीज जनरेट होगी तो वो क्या होगी स्वदेशी होगी है ना सो इंडी जिनिस मतलब स्वदेशी इंडी

तो हम उसे इंडिजिनस कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं इंडिजिनस कहते हैं ठीक है अब ओरिजिनल कांजनाइटल एंडेमिक एंडेमिक का ही ऑपोजिट है पैंडेमिक एक कोई जगह पर पाया जाए तो एंडेमिक कहेंगे हर जगह पाया जाए पैन का मतलब होता है एवरीवेयर हर जगह पाया जाए तो हम उसे कहते हैं पैंडेमिक हर जगह पाया जाए तो हम उसे कहते हैं पैंडेमिक ठीक है सो so, अब ओरिजिनल कंजनाइटल एंडेमिक ठीक है अब ओरिजिनल कंजनाइटल

तो इसीलिए मार्क कर सकते हैं प्रोडक्ट्स yes, uh, को देते हैं शाबाश बहुत बढ़िया वेरी गुड ये जीएस पढ़ रहा है बच्चा हायर uh, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होगा या तो सी डी एस या कोई हायर एग्जाम ठीक है गुड वेरी गुड देखो इंडिजिनस नागा प्रोटेस्ट नागाज ये जहां पर जहां पे रहते हैं जहां के वो मूल निवासी है ठीक है वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे है ना सो नागाज को हम वहां पे जहां के वो मूल निवासी है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये इंडिजिनस ट्राइब्स हैं है ना ये कैसी जनजाति है ट्राइब का मतलब है जनजाति इंडिजिनस का मतलब क्या है बच्चों इंडिजिनस का मतलब होता है वहीं पर मूल रूप से पाई जाने वाली जनजाति है ठीक है सो नागा प्रोटेस्ट ओके चलो ठीक है ल्यूक्रेटिव ये भी वर्ड बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूज में अपने आसपास ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या है बहुत ज्यादा लाभ देने वाला प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा लाभ देने वाला या प्रॉफिटेबल लीची को जीआई टैग मिला है यस एब्सोल्युटली आकाश गुप्ता वेरी गुड है ना क्यों क्योंकि कहते हैं ये इंडिजिनस है कहां के लिए बिहार बिहार शाही लीचियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है इट राइट यस सो ल्यूक्रेटिव बच्चों ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे ठीक है कोई चीज आपको जो बहुत ज्यादा फायदा दे ठीक है अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच बता दो कोई प्रॉफिटेबल चीज है फायदा देने वाली चीज है तो वो उसकी विशेषता है विशेषता है 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 तो 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 आप आप उसको उसको क्या कहोगे बच्चों कहेंगे कि ये मैम एडजेक्टिव एडजेक्टिव वो प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा फायदा प्रोड्यूस करने वाले शब्द को हम ल्यूक्रेटिव कहेंगे बहुत ज्यादा फायदा प्रोड्यूस करने वाले शब्द को हम ल्यूक्रेटिव कहेंगे ठीक है ओके okay, चलो एडवांटेज फायदा मतलब क्या एडवांटेज जो बहुत ज्यादा आपको फायदा दे फ्रूटफुल है ना फ्रूटफुल मतलब उसका कोई ना कोई परिणाम आएगा जरूर वर्थ वाइल वर्थलेस मतलब निकम्मा नालायक बेकार ठीक है वर्थलेस कीमती नहीं है ठीक है वर्थ मतलब कीमत वर्थलेस मतलब कीमत ही नहीं है अब इसका एंटोनिमर्थ फुल नहीं होगा वर्थ वाइल वर्थ माइल वर्थ वाइल मतलब करने लायक काम करने लायक पढ़ने लायक जॉब करने लायक ठीक है वर्थ वाइल मीन्स एडवांटेजियस ल्यूक्रेटिव ठीक है सो ल्यूक्रेटिव ये सभी वर्ड्स क्या है बच्चों ये सभी वर्ड्स आपके एचेटिव हैं सभी वर्ड्स क्या है आपके एचेटिव हैं ठीक है थेके? अब इसको देखो ये खुश क्यों है इसके पास देखो बहुत सारा माल है hmm, फायदा कमा लिया ल्यूक्रेटिव ठीक है so, सो इसको कोई ल्यूक्रेटिव डील हुई है इसकी ल्यूक्रेटिव डील मतलब बहुत सारा फायदा मिल गया है ठीक है पीटर सेल्स अच्छा इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बच्चों ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस करेंगे एक मिनट ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बताओ इसको कैसे प्रोनाउंस करते? करते हैं yes, याट नहीं, इसको कैसे करते? नहीं, यौ. कैसे करते हैं योट वेरी गुड ठीक है या नहीं यो ठीक है योट कैसे प्रोनाउंस करते हैं योट्स ठीक है सो पीटर ये आर मिसिंग हो गया सेल्स योट ही सेज बोलता है कि ये तो बहुत ल्यूक्रेटिव बहुत फायदेमंद बिजनेस है बहुत पैसा मिलता है इस बिजनेस में ठीक है ओके okay, चलो यॉट कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे यॉट पता है ना पानी में केरल में अक्सर आपने देखा होगा जो ऐसे लंबे लंबे बोट होते हैं लंबे से बोट्स होते हैं ठीक है या फिर बहुत लग्जोरियस जो बोट्स होते हैं जिसमें आप घूम सकते हैं वहां जब आप जब, जब भी आप लोग केरल जैसे जगहों पे घूमने जाएंगे पाण्डिचरी गोवा जैसे जगह पे जाते हैं तो यॉट बुक करते हैं हम लोग है ना सो यॉट ओके चलो मैमथ अरे ये तो वर्ड अभी अभी किया था हमने है ना सो मैमथ मैमथ का मतलब क्या था बच्चों आ, बोल नहीं सकते तो सीखना है ललित मस्ती नहीं ठीक है चलो सो so, मैम का मतलब क्या है बच्चों विशाल ठीक है एक्सट्रीमली लार्ज बहुत ज्यादा ह्यूज बताओ इसके लिए कौन सा कौन सा वर्ड पड़ा था एक तो सी से था बताओ कौन सा वर्ड था मेमत के लिए कौन सा वर्ड था जो चीज बहुत ज्यादा विशाल हो बड़ी हो क्या वर्ड था बताओ बच्चों इज ल्यूक्रेटिव टू गेट सिलेक्शन इन यस यस वेरी गुड अर्पित सिंह चौधरी वेरी गुड बहुत बढ़िया सेंटेंस ठीक है सो so, यस द वर्ड वॉज कोलोजल ठीक है एल सिंगल आएगा कोलो सीओ एल ओ फिर उसके बाद में डबल एस ए एल कोलोजल सी ओ एल ओ डबल एस ए एल कोलोजल लार्ज ह्यूज जाइजेंटिक मैमोथ शाबाश वेरी गुड ठीक है सो so, देखो क्लोजल एनॉर्मस जाइजेंटिक कोलोजल एनॉर्मस एंड जाइजेंटिक बच्चों ऑब्सक्योर का मतलब क्या है अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट होता है ठीक है अब आप बोलेंगे कि मैम इतनी बार एग्जाम में रिपीट होता है दोबारा फिर आएगा क्या हाँ आएगा मैम रीजन क्या है इतनी बार आ गया है कुछ नया वर्ड नहीं है क्या बच्चों ये वर्ड एक्चुअली डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है इतना ज्यादा यूज होता है इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको यह शब्द पता है कि नहीं अब एक साल तो उन्होंने एक बच्चे से चेक कर लिया कि उसको पता है कि नहीं तो अगले साल फिर से जो नए बच्चे आते हैं उनसे वो चेक करते हैं कि इनको ये शब्द पता है कि नहीं क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है so सो इसीलिए जो कुछ शब्द होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से पहले भी आए हैं अब भी आते रहते हैं उनका कारण यही होता है कि वो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ठीक है तो एग्जामिनर हर साल चयन होने वाले कैंडिडेट्स को चाहे आपका कुछ भी एग्जाम हो वो जरूर चेक करता है कि उनको ये शब्द पता है या नहीं ठीक है सो ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट समथिंग दैट इज नॉट क्लियर ठीक है अब इसके लिए कौन से कौन से वर्ड्स हैं देखो वेग वेग वर्ड भी आप लोगों का एग्जाम में आ चुका है डूबियस मतलब डाउटफुल और एक वर्ड जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके आता है वो है एम्बिगुअस और एक वर्ड है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है वो है एम्बिगुअस ठीक है एमबी ठीक है एमबी वेग अनक्लियर अस्पष्ट ठीक है नॉट क्लियरली जो चीज स्पष्ट से दिखाई ना दे या so, समझ में ना पार्सिमोनियस का मतलब क्या है बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्सिमोनियस पार्सिमोनियस मतलब कंजूस कंजूस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्सिमोनियस पार्सिमोनियस मतलब वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज जो बहुत ज्यादा अनविलिंग हो मनी स्पेंड करने के लिए या रिसोर्सेज स्पेंड करने के लिए ठीक है कंजूस मतलब मुट्ठी में पैसा आ गया मुट्ठी खुलती नहीं है उसकी ठीक है टाइट फिस्टेड उसको कहते हैं टाइट फिस्टेड नहीं 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 पैसा नहीं खर्च करूंगा बिल्कुल बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करूंगा फायदा आने दो फायदा आने दो लेकिन पैसा नहीं खर्च करूंगा भाई मेरे पास पैसा आ गया अब ये नहीं दूंगा मैं पैसे किसी को तो वो कैसा है पार्सिमोनियस जो पैसे देने के लिए तैयार ना हो वो पार्सिमोनियस है है ठीक कंजूस प्रूडेंट फ्रूगल अब याद रखना कि प्रूडेंट फ्रूगल ये दोनों वर्ड्स जो है ना ये एक्चुअली पॉजिटिव वाले वर्ड्स हैं ठीक है ठीके? ये बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं होता है ये सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं ऐसे नहीं कि पैसे उड़ाएं ठीक है ऐसे बिल्कुल पैसे उड़ाएंगे नहीं ये पॉजिटिव है पार्सिमोनियस नेगेटिव वर्ड है ठीक है पार्समोन नेगेटिव वर्ड है ठीक है ये खाने पे भी खर्च नहीं करेगा वो बोले करके मैं एक टाइम भूखा रह लेता हूँ ठीक है ये बोलेगा कि चलो ठीक है हम दो टाइम खाना खा लेते हैं लेकिन फालतू में महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके हर रोज पैसे या खाना बाहर से ऑर्डर करना ये नहीं करेंगे ये प्रूडेंट है ये सोच समझ के पैसे खर्च करता है फ्रूगल है ये ठीक है एवरिशियस कैसा है एवरिशियस लालची है ये नेगेटिव वर्ड है एवरिशियस लालची है ये नेगेटिव वर्ड है ठीक है so, सो शब्दों का चयन देखो हमें पता होना चाहिए कि, कि कब पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अगर कोई सोच समझ के पैसे खर्च कर रहा है तो उसको आप कंजूस बोलोगे तो वो बुरा मान जाएगा आप उसको बोलोगे कि वो प्रूडेंट है वो फ्रूगल है ठीक है जो पैसा बिल्कुल खर्ची नहीं करता ठीक है एकदम निकम्मा है आप उसको कितनी भी गालियां दे दो वो पैसे खर्च ही नहीं कर देगा करेगा ठीक है उसको बोल देना कि वो पार्सिमोनियस है उसको बोल देना कि वो एवरिशियस है ठीक है यस चलो सो so, यहां देखो अक्षय कुमार यहां पे क्या कर रहा है ये इसको बोल रहा है कि ये ले ये रख पूरे दस रुपए तेरे एक महीने की सैलरी अब ये बेचारा सोच रहा है एक महीने की सैलरी कितना दिया दस रुपए दिया ठीक है तो ये क्या बोल रहा है पार्सिमोनियस कहीं का चेहरे पे, इनके शकल पे हमेशा रहते हैं, ये बोल रहे हो क्या रहा है ठीक है चलो पार्सिमोनियस मीन्स कंजूस पार्सिमोनियस मीन्स माइसर भी नेगेटिव वर्ड है यस वेरी गुड ठीक है चलो ऑल राइट कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड पेन्यूरियस पेन्यूरियस का मतलब होता है दरिद्र

होते ही नहीं है ओके ठीक है चलो सो so, पे बोल दिया है क्लोज फिस्टेड मतलब कंजूस है एक्चुअली ठीक है सो so, कॉस्टिव ये वर्ड हम हटा देते हैं यहां से ठीक है ये वर्ड्स हम हटा देते हैं आप यहाँ पे पेन्यूरियस लिख लीजिए ठीक है पॉपर लिख लीजिए पी ए यू ई आर -E पॉपर गरीब पोअर ठीक है लिख लेंगे, आप ओके? इन चीप इनका मतलब है दरिद्र मतलब जिनके पास पैसे नहीं हो ठीक है so, extremely poor, extremely poor, जो है, ठीक है तो ये बच्चे बेचारे कैसे हैं? ये पेन्यूरियस है आपको बहुत अच्छे से आपके पास पढ़ने लिखने का मौका मिला है ना तो आपको सबसे पहली बात तो पढ़ लिख के अपना फ्यूचर सिक्योर करना है फिर आपके आस पास ऐसे कोई एक भी कोई बच्चा हो उसके लाइफ उसके लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत आप कर सकें वो आपको करना है अभी तो फिलहाल आप ही छोटे छोटे बच्चे हो लेकिन यही तो समय है जब आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं तो आपको अपना भविष्य तो उज्जवल बनाना है आपको आपके मम्मी पापा ने आपको आपके टीचर्स ने ये मौका दिया है कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं इसका आप लोग फायदा उठाएं और इसका फायदा उठा के पहले तो अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर लें फिर उसके बाद में ऐसे जो बेचारे गरीब या पुअर बच्चे आपके आसपास हो कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप इनको पढ़ा भी सकते हैं है ना जाके थोड़ा बहुत आपने इनको पढ़ा दिया इनकी किसी तरह मदद कर दी राइट right? चलो रिप्रोच का मतलब क्या है बच्चों डेस्टिट्यूट कह सकते हैं पॉपर ऑल दीज वर्ड विल बी दिन ऑफ दिस वर्ड है? Yes, uh, uh, pauper, uh, word, रिप्रोच का मतलब क्या है रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना ठीक है रिप्रोच मीन निंदा करना क्रिटिसिजम थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा डांटना नहीं है है ना थोड़ा सा किसी को जो डांट दिया है ना तो उसको हम कहते हैं रिप्रोच थोड़ा सा जब किसी को डांट दिया तो हम उसे कहते हैं रिप्रोच ठीक है थोड़ा बहुत किसी को डांट देना उसको हम कहते हैं रिप्रोच ओके चलो सो so, इसके लिए देखो एडमोनिश And Admonish, या ये words है बच्चों याद कर लो रिप्रोच मतलब डांटना थोड़ी बहुत किसी को डांट फटकार लगा देना रेप्रिमांड जैसे ललित को क्लास के शुरुआत में थोड़ा सा डांट मिला था ललित लॉक हो जाओगे तो ये क्या था रिप्रोच था ठीक है छो थोड़ा सा बस डांट दिया ठीक है एडमोनिश चाइड और रेप्रिमांड एडमोनिश चाइड और रेप्रिमांड क्लियर एवरीवान चेस्टाइज येस वेरी गुड लेंबास कैस्टिकट ये भी वर्ड्स आ जाएंगे बिल्कुल शबाश ठीक है so, सो रिप्रोच इनके लिए और वर्ड्स करेंगे जैसे एक ही शब्द के लिए और कितने सारे वर्ड्स हो जाते हैं वो हम चार्ट फॉर्म में करेंगे अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा पहले अपना वोकेब्लरी बेस स्ट्रॉन्ग कर लो पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लो फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी हम देखेंगे ठीक है सो रिप्रोच का मतलब होता है निंद करना रिप्रोच के लिए क्या क्या वर्ड्स है एडमोनिशाइड एंड रेप्रिमांड रिप्रोच एडमोनिशाइड एंड रेप्रिमांड ये वर्ड्स क्या है डांटना क्रिटिसाइज करना डांटने में क्या किया जाता है क्रिटिसाइज ही तो किया जाता है ना ओके okay, चलो ठीक है देन द नेक्स्ट वन पे देखो इसके साथ क्या हो रहा है है ये क्या 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 काम है? क्या काम किया है तुमने है ना सो so ये इसका बॉस है या दोस्त है मे बी जो भी होगा और इसकी शक्ल देखो कैसी बन गई है? है ना तो ललित को जब डांट पड़ी होगी तो फिर लल, ललित की शक्ल ऐसी बन गई होगी राइट right? फिर बाद में बोलता है मैम देखो मैंने आपका आपके मॉक में लीडर बोर्ड में आया था मैं मुझे डांटना मत मुझे ब्लॉक मत करना है ना राइट right? ओके <laughs> okay. सो so, मतलब डांट पड़ती है तो शक्ल ऐसी बन जाती है ठीक है और ये क्या कर रहा है इसको डांट रहा है रिप्रोच कर रहा है ओके चलो रेस्टिव का मतलब क्या है बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है रेस्टिव मतलब जहां पे अशांति हो रेस्टिव का मतलब क्या है अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चों इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वर्ब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वर्ब है ये ठीक है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वर्ब है ठीक है पेन्यूरियस बच्चों पेन्यूरियस जब आप कह रहे हो तो ये किसी की विशेषता बता रहे हो ना विशेषता बता रहे हो तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव विशेषता बताया पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा एडजेक्टिव ठीक है सभी वर्ड इसके एडजेक्टिव पार्सिमोनियस जब आप किसी को कंजूस कह रहे हो उसका नाम थोड़ी बता रहे हो आप उसकी विशेषता ही बता रहे हो है ना तो उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव ललित कहा गया भाई भाग गया क्या कहा गया ललित चलो अब स्क्योर जब आप कह रहे हो कि कोई चीज अस्पष्ट है उसकी विशेषता बता रहे हो तो क्या बन गया ये है एम्बिग मीनिंग नॉट क्लियर ठीक है, है <laughs> <laughs> इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा एडजेटिव ठीक है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा एडजेटिव मैमथ कोई चीज बहुत विशाल है नाम तो नहीं बता रहे हो ना विशेषता बता रहे हो तो क्या बन गया वो एडजेटिव क्या बन गया वो एडजेटिव क्लियर एवरीवन ठीक है रेस्टिव का मतलब क्या है बच्चों रेस्टिव का मतलब होता है कि अशांत ठीक है बताओ भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो हमेशा अशांत रहता है जहां पर हमेशा टेंशन बनी हुई रहती है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हाँ यही है ललित ओके ओके ठीक है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको आप रेस्टिव कह सकते हैं टर्बुलेंट, यस वेरी गुड बहुत अच्छे रेस्टलेस रहना अशांत रहना यस वेरी गुड जम्मू एंड कश्मीर है ना जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा अशांति रहती है कोई ना कोई या तो पत्थरबाजी या कोई ना कोई घुसपैठ वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गोला फायरिंग गोला बारूद कुछ ना कुछ चलते ही रहता है ना नहीं नहीं बिहार नहीं बिहार नहीं बंगाल अभी फिलहाल है अभी फिलहाल रेस्टिव है थोड़े समय के लिए अभी था है ना मैंने क्या बोला कि रेस्टिव हमेशा वहाँ पे अशांति बनी रहती है जम्मू एंड कश्मीर है वो ठीक है कौन सा स्टेट है कौन सा राज्य है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आम जनता अल्टीमेटली परेशान आम जनता होती है तो वहाँ के आम जनता बहुत परेशान है ठीक है सो रेस्टिव वहाँ पे अशांति की स्थिति हमेशा बनी रहती है ठीक है ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर छत्तीसगढ़ नॉट द एंटायर स्टेट छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारा स्टेट है इनफैक्ट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज फ्राम छत्तीसगढ़ ठीक है सो छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा सा स्टेट है जो थोड़ा सा रेड कॉरिडोर में आता है रेड कॉरिडोर मतलब जहां वो जो माओवादियों द्वारा जो अफेक्टेड एरिया है रेड कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ का जो एरिया आता है वहां पे खाली अशांति है थोड़ी सी लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा अशांति रहती है, है ना हमेशा टेंशन बना हुआ रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए सो so, रेस्टिव ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं रेस्टिव देखो आप बोलेंगे कि मैम रेस्ट का तो मतलब आराम है ठीक है तो रेस्ट का तो मतलब आराम है तो आपके हिसाब से तो रेस्टिव का मतलब आरामदेह होना चाहिए लेकिन वो मीनिंग नहीं है रेस्टिव का मतलब है अशांत बहुत ध्यान से पढ़ लेना इसको ठीक है सो रेस्टिव का मतलब होता है अशांत एजिटेटेड हमेशा लोग गुस्से में हैं रिकैल्सीट्रेंट बात नहीं मानते हैं पत्थरबाजी करते रहते हैं रेस्टलेस ठीक so है तो ये सभी वर्ड्स बच्चों रेस्टिव के सिनोनिम्स है ये सभी वर्ड्स आपके के रेस्टिव के सिनोनिम्स हैं ओके यस कमिंग टू द नेक्स्ट वन अब ये देखो यहाँ पे ये लोग कैसे क्राउड क्राउड बिकम्स रेस्टिव पे हम crowd को बोल रहे हैं ठीक है ये भीड़ कैसी हो गई एजिटेटेड गुस्से में आ गई सो so, भीड़ बिकम्स रेस्टिव के आर के ट्वीट जब भी के आर के ट्वीट करता है तो भीड़ जो है वो गुस्से में आ जाती है भीड़ जो है वो गुस्से में आ जाती है मतलब ये लोग रेस्टिव हो जाते हैं ठीक है स्पोराडिक का मतलब क्या है छिटपुट इधर उधर थोड़ा बहुत रुक रुक के ठीक है फैला हुआ बिखरा हुआ इरेग्युलर स्पोराडिक स्पोराडिक मीन्स चिटपुट ठीक है स्पोराडिक रेन मतलब बारिश अच्छे से नहीं आ रही है ठीक है इधर उधर थोड़ी बहुत कभी आती है कभी रुक जाती है ठीक है थोड़ी बहुत बारिश आ रही है राइट सो रिकरिंग इन स्कैटर्ड एंड और अनप्रेडिक्टेबल मतलब पता ही नहीं कब बारिश आ जाएगी अनप्रेडिक्टेबल सकम सब्सटेंसेस ठीक है चलो डिसल्ट्री इसके लिए देखो आपके वर्ड्स क्या है फिटफुल बच्चों ये बताओ अभी हाल ही में हम लोग ने एक एडिटोरियल किया था फिटफुल अप्रोच एक एडिटोरियल क्या था कितने बच्चों को याद है एडिटोरियल का टाइटल ही था फिटफुल अप्रोच एडिटोरियल का टाइटल ही था फिटफुल अप्रोच किसके लिए था वो व्हाट्सएप के ऊपर था है ना कि व्हाट्सएप बोल रहा है कि यार तुम बाकियों को तो अलाउ कर रहे हो हमको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो तुम तो? है ना बाकी भी तो वही कर रहे हैं जो हम आ, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट लाए हैं तो हमें क्यों मना किया जा रहा है राइट फिटफुल अप्रोच हाई मेन यू रिमेंबर गिव मी अ थम्स अप सो फिटफुल का मतलब क्या था वही रैंडम है ना किसी के लिए हाँ बोलता है तो वही बात अगर कोई और कर रहा है तो उसको मना कर रहा है है ना सो so उसको हम कहते हैं फिटफुल अप्रोच है ना फिटफुल फिटफुल स्कैटर्ड डिसल्ट्री फिटफुल स्कैटर्ड डिसल्ट्री स्पोरा इंटरमिटेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है है ना एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मीनिंग यही है इंटरमिटेंट रुक रुक के इंटरमिटेंट रुक रुक के ठीक है इंटरमिटेंट रुक रुक के ओके okay? इसके लिए एक एडियम है इसके एडियम है है बाय बाय फिट्स 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 एंड 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 इसके लिए तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती है? Starts, रुक रुक के कभी पढ़ते हो कभी बोलते हो बहुत पढ़ लिया ठीक है और वो बहुत पढ़ लिया जैसे ही सोच लिया उसके बाद दो दिन तीन दिन तक पढ़ाई नहीं होती है फिर तुमको लगता है यार बहुत टाइम भी वेस्ट हो गया फिर उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो जाती है है ना सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट ऐसे जो पढ़ाई करता है फिर भाई मामला गड़बड़ है ठीक है बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब रुक रुक के इंटरमिटेंटली क्लियर एंड टुडे लास्ट वर्ड फॉर सरप्राइज टेस्ट जो टीचर लेती है वो बुरा होता है क्यों क्योंकि बच्चे प्रिपेयर ही नहीं रहते उसके लिए ठीक है अब मैंने आपको बोला कि कल मॉक होगा आप उसके लिए प्रिपेयर होकर आओगे फिर मॉक अच्छे से दोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा इसी बीच में मॉक ले लिया ठीक है तो आप लोगों को लगे यार मैम तैयारी तो थी नहीं है ना अभी तो आप लोगों को तैयार होना चाहिए बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं ठीक है स्कूल में ऐसा होता था स्कूल में टीचर सरप्राइज टेस्ट लेती थी तो सच में सरप्राइज हो जाते थे तुम राइट कम हेल और हाई वाटर कल हम लोग ने एक स्पोकन uh, वाले क्लास में देखा था है ना मैंने आपको बताया था कम वॉट मे चाहे जो हो कम वॉट मे चाहे जो हो कम वॉट मे हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे कम हेल और हाई वाटर का भी यही मतलब है चाहे जो हो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए ठीक है कम हेल और हाई वाटर चाहे नर ही क्यों ना आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है चाहे ताऊ की ताई आए चाहे कुछ भी आए हम तो पढ़ाई करेंगे ठीक है सो पॉसिबल ऑब्स्टिकल इन योर पाथ आपके रास्ते में जो भी रुकावटें जो भी आ, संभावित रुकावटें हैं उनको हम कहते हैं कम हेल और हाई वाटर ओके ठीक है okay? चलो प्रैक्टिस के लिए रेडी बच्चों प्रैक्टिस के लिए रेडी जस्ट क्लोज यूर फिर वन मिनट एक मिनट के लिए आइज क्लोज करो और फटाफट से याद करने की कोशिश करो कौन से कौन से वर्ड्स पढ़े जो भी वर्ड्स याद आ रहे हैं इंडिजिनस मैमोथ पेन्यूरियस पार्सिमोनियस इम्पर्ट इंसोलेंस जो भी वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको एप्पल ऑफ वन आई फटाफट फटाफट से याद करो कितने कितने याद आ रहे हैं जस्ट वन मिनट जल्दी जल्दी से ओके okay, ठीक है अब हम लोग शुरू करते हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिकैप मेंटल रिकैप आपका खुद का मेंटल रिकैप बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास के बाद में भी दो मिनट देना खाली और आंख बंद करके याद करना कौन से कौन से वर्ड्स आपने पढ़े ठीक है इससे वोकैबुलरी बहुत समय तक अच्छे से याद रहेगी आप लोगों को ठीक है आप लोग ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हैं लेकिन ट्रिक्स बहुत ज्यादा शब्दों के लिए कामयाब नहीं है और ट्रिक वाले टीचर आपको शब्द भी वही पढ़ाते हैं जो ट्रिक के द्वारा पढ़ाया जा सकता है आपको वो शब्द पढ़ाते ही नहीं है जो ट्रिक बिना ट्रिक के पढ़ाया जा सके लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है है ठीक तो अपनी आदतें अच्छी रखो अपनी खुद की आदतें अच्छी रखो लर्निंग हैबिट अच्छी होगी आपकी ठीक है चलो इंडिजिनस का मतलब क्या है बच्चों इज द मीनिंग ऑफ इंडिजिनस मैम मैंने नाम वाला एक और मेरे नाम वाला एक और है कन्फ्यूज मत होना अच्छा ठीक है ठीक है ललित हाँ एक ललित कुमार एक ललित जागर नहीं कन्फ्यूज होंगे चलो आ जाओ आंसर बताओ

the answer is option c Reveal a secret very good Shabash. colossal colossal मतलब बहुत विशाल बहुत बड़ा बताओ आंसर क्या होगा fantastic बेहतरीन bias यानी कि झुकाव colorful यानी रंगीला आपका आंसर है gigantic आपका आंसर है gigantic बहुत बड़ा विशाल sporadic चिटपुट इधर-उधर Irregular, persistent मतलब लगातार persistent मतलब लगातार, surviving मतलब जीने वाला स्वीपिंग मतलब जनरल सबको लपेट दिया हम बोलते हैं ना सारे लड़के बुरे होते हैं अच्छा तुम्हें कैसे पता तुम कैसे सारे लड़कों को जानते हो ठीक है सो स्वीपिंग स्टेटमेंट जनरल सारे पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं अच्छा तुम्हें तो कैसे पता सारे पॉलिटिशियंस यार ऐसे मत बोलो जो सच्चा पॉलिटिशियन बेचारा एक होगा जिसके लिए बहुत मुश्किल होगा सच्चाई के साथ में जीना उसको तो बहुत बुरा लग जाएगा ना तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट सबको लपेट दिया उसी बात में ठीक yes, है चलो यस द आंसर इज रेगुलर द आंसर इज इेगुलर एक नॉमिनी इग नॉमिनी सब तुम्हें बोल रहे हैं तुम बुरे हो तुम बुरे हो तुम बुरे हो है ना बदनामी कर रहे हैं सो so, इग नॉमिनी स्टेटली मतलब शाही स्टेटली मतलब शाही अस्ट्यूट मतलब समझदार डिग्निफाइड मतलब सम्मानित मतलब असम्मान या अपमान, disgrace ignominy का मतलब होता है डिसग्रेस one's eye मम्मी पापा के तो आंखों के तारे होते हैं लेकिन उससे भी दुलारे दादा दादी के या नाना नानी के होते हैं सो एप्पल ऑफ one's eye tearful eye रोती हुई आंख none of the above most tender part of the eye. eyes से तो संबंधित कुछ नहीं है very dear फेवरेट किसी का ठीक है चलो parsimonious पैसे नहीं खर्च करूंगा parsimonious मनी नहीं खर्च करूंगा ठीक है यस द वर्ड इज prodigal मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला cruel मतलब आ, जो न, ये हो निर्दयी हो ठीक है haughty हॉटी का मतलब क्या होता है एरोगेंट घमंडी हॉटी मतलब एरोगेंट घमंडी जो आ, मैं ही मैं मैं ही सबसे बेस्ट हूं ऐसा जो मानता है उससे हम क्या कहते हैं हॉटी है वो ठीक है मेरे से बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता हॉटी जो अपने आप को ही अहम uh, ब्रह्मास्मी जो हम कहते हैं है ना माइजरली बच्चो वट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर का मतलब कोई चीज जो अस्पष्ट हो ठीक है जो आपको पता ना हो जो अस्पष्ट हो ओकेजनल मतलब कभी कभी ओल्ड मतलब पुराना नेग्लेक्टफुल मतलब जिसपे ध्यान ना दे ठीक है द आंसर इज अनोन ऑप्शन में से अगर आप अपना आंसर मार्क करेंगे तो आपका आंसर होगा अनोन ठीक है मेमत का मतलब क्या है बच्चों मेमत का मतलब क्या है क्या मेहमत हमने अभी कर लिया था ना सर मेमत था

और 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 आज आपने जो भी वोकैबलरी पढ़ी उसमें सबसे अच्छा जो आपको वर्ड लगा एक शब्द जो आपको आज की क्लास में सबसे अच्छा लगा उससे एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है क्यों क्योंकि हमें तो इंग्लिश सीखना है ओके okay? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे इस क्लास की पीडीएफ के लिए ओके okay? और स्वस्थ रहें मस्त रहे पढ़ते रहे बढ़ते रहे जय हिंद एवरी वन